तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा का रिव्यू करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बात करते हैं फ्यूरियोसा की, तो ये फिल्म मैड मैक्स फ्रेंचाइज की पांचवी फिल्म है। 2015 में आई मैड मैक्स फ्यूरी रोड की फ्यूरियोसा प्रीक्वेल फिल्म है, यानी उसके पहले की कहानी है। इस फिल्म में आपको फ्यूरियोसा की बचपन से यंग तक होने की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें बचपन में फ्यूरियोसा का डिमंटस यानी क्रिस हेम्सवर्थ के लोगों के द्वारा अपहरण किया जाता है और उसे डिमंटस को सौंपा जाता है। डिमंटस का किरदार क्रिस हेम्सवर्थ ने काफी अच्छे से निभाया है। बहुत सालों बाद क्रिस हेम्सवर्थ को एक अलग रोल में देखने को मिला। फ्यूरियोसा वहाँ से होती है जहाँ जंगल, फल फूल सब कुछ होता है, और डिमंटस उस जगह जाने के लिए फ्यूरियोसा को अपने साथ रखता है। लेकिन रास्ते में उसका सामना होता है मैड मैक्स फ्यूरी के विलन इमोर्टन जो से, और वहाँ पे किसी वजह से उनमें डील होती है और डिमंटस को फ्यूरियोसा इमोर्टन जो को देनी पड़ती है। वहाँ से फ्यूरियोसा की कहानी शुरू होती है, कैसे फ्यूरियोसा उस माहौल में ढल जाती है और अपने आप को काबिल बनाती है, और कैसे वो रोड वार में परफेक्ट होती है। ये सब देखने में मजा आता है। फिल्म में सबसे बढ़िया तो सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंसेस है। इस फिल्म का मेन पार्ट तो मुझे यही लगा, कुछ कुछ सीन्स में आप सांस रोक के बैठ जाते हो। फिल्म में वीएफएक्स तो नेक्स्ट लेवल का है, वीएफएक्स से ज्यादा वो रियल लगता है। ये सब बढ़िया है तो मिलर बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे पीछे छोड़ते। फिल्म का बीजीएम हर एक सीन को इनहांस करता है। जब बाइक्स और कार का सीन आता है तो थिएटर की सीट वाइब्रेट हो जाती है। मुझे फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी परफेक्ट लगा। बात करते हैं कहानी की, कहानी भी अच्छी है, लेकिन फिल्म के बाकी एंगल्स जैसे कि सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से दिखाए हैं, कुछ किरदार की शुरुआती कहानी भी फिल्म में दिखाई है। दरअसल मैड मैक्स फ्यूरी के बाद मैड मैक्स द वेस्टलैंड फिल्म आने वाली थी। ये फिल्म टॉम हार्डी यानी मैक्स रॉकेटन्स के बैकग्राउंड स्टोरी को दिखाने वाली थी, लेकिन उसके बाद वो फिल्म डिले हुई और फ्यूरियस आई। इसके बाद मुझे लगता है कि डेविड मिलर टॉम हार्डी वाली मैड मैक्स द वेस्टलैंड पर काम करेंगे और फ्यूरियसा के बाद इस फिल्म का इंतजार रहेगा। फिल्म काफी अच्छी है, आपको इस फिल्म का रियल फील चाहिए तो फिल्म थिएटर में जरूर देखिए। तो चलिए आज रुकते हैं यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही फिल्म अपडेट के साथ।